माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। मेरा कोलार के बारे में, गोल्ड माइन के बारे में क्वेश्चन पूछने का अवकाश मिला। मेरा कोलार गोल्ड माइन पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। ये पूरा दुनिया को बहुत साल गोल्ड देता था, अब तो 20 साल से वो बंद है। मैं बहुत बार इसका बारे में क्वेश्चन पूछा हूँ। मेरा गोल्ड माइन शुरू करने का हमारा सरकार क्या निर्णय लिया है, वो निर्णय लिए तो उसका बारे में पूर्ण विवरण देना। उसके बाद उधर क्या गोल्ड माइन था अध्यक्ष जी, उधर का गोल्ड का हमारा 70 साल ये देश को कौन चलाया, उन्होंने गोल्ड चोर कर लेकर चला गया। बाद में उधर का सैंपल पीस था गोल्ड का, 7 केजी, 8 केजी, 9 केजी का, उसका भी मेरे से पहले कौन सांसद था, उन्हें भी चोरी कर लेकर चला गया। नो माने सदस्य प्लीज नो। आप नो, आप उधर गोल्ड से निकाल दें, निकाल दिया, कार्रवाई से निकाल दिया। गोल्ड गोल्ड माइन, माने सदस्य आप प्रश्न पूछिए। गोल्ड माइन अब शुरू करने के लिए सरकार क्या निर्णय लिया है, निकाल दिया। उसके साथ में उधर क्या आप प्रश्न पूछे ना माननीय सदस्य। उधर म्यूजियम बनाने के लिए क्या निर्णय लिया है, ये क्वेश्चन आप। बाद में उधर रेलवे प्रोजेक्ट बहुत सारे, कुप्पम और मारी कुप्पम का बीच में क्या रेलवे लाइन आधा कड़ा है, उसका बारे में क्या निर्णय लिया है, उसका बारे में मंत्री जी मुझे आंसर देना, इसलिए मनवी करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि कोलार स्वर्ण भंडार जो था 1973 से 2001 तक इस देश को स्वर्ण देता था, लेकिन 2001 के बाद ये खदान अनवायबल हो गया। उसकी लागत, उसमें मिलने वाला जो स्वर्ण था उसमें काफ़ी अंतर हुआ, इसलिए इसको बंद करने का निर्णय हो गया अध्यक्ष महाराज। इसलिए ये बंद करने का निर्णय होने के बाद उसके जो एम्प्लाइज थे वो कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में चले जाने के बाद कोर्ट ने ये निर्णय, सरकार का निर्णय सही ठहराया और एम्प्लाइज को उसमें प्रायोरिटी देने की बात कही, और इसलिए ये इसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई। उस कमेटी ने जो सिफारिश की, वो सिफारिश के तहत सरकार काम कर रही है। उन्होंने पूछा है संग्रहालय बनाना है नहीं बनाना है, ये जवाब दे दो आप। संग्रहालय बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरा जो पूछा कि कर्नाटक के सरकार के साथ हम चर्चा करेंगे, रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार बैठ के इस पे पॉजिटिव विचार कर सकती है। ठीक है मंत्री जी, उधर 2 ब्लॉक है, उसको हम कर्नाटक को हैंड ओवर करते हैं, वो टोटल 12,600 एकर है करके मेरे बहुत अधिकारीगण का है, वो क्या सच्ची है क्या? अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने फिलहाल 2015 में MMDR कानून बनाया है, कोई भी माइन ऐसे हैंड ओवर नहीं कर सकते, उसको ऑक्शन में आना पड़ता है। श्री सुरेश धानोरकर जी, धन्यवाद अध्यक्ष।